गाड़ी सर बैठा, बदन पे कपड़े तब जिंदगी मार, तब समंदर पार से बोले वसा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो हेलो गाइस, कैसे सभी का स्वागत आज के एक और न्यू वीडियो में स्टूडेंट एफएफ की। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा कि आप कैसे यहाँ पर इतना मस्त वाला लोगो एडिट कर सकते हो, जो कि आपने प्रीव्यू में भी देखा, लेकिन फिर से मेरे को बोलना जरूरी है बिकॉज वॉच टाइम मैटर्स। तो ठीक गाइस, सिंपली इसमें जो भी मैंने एप्लीकेशन वगैरह यूज़ किया सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ गाइस, इसमें जो भी मैंने पैक यूज़ किया है, जो भी मैंने फोटोज वगैरह यूज़ किए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर डाउनलोड कर लेना जरूर से, बिकॉज उसके बगैर आप नहीं बना सकते बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना किसी तरीके 200 लाइक्स की तरह 100 कमेंट्स कर देना, एंड आज के जो कमेंट के विनर है वो ये रही आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। और अकेला बात हो भाई, थैंक यू फॉर कमेंटिंग, और आप लोग भी ऐसे जीत सकते हो। सिंपली आपको कमेंट करना है कुछ भी, या फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको किस बारे में चाहिए वो कमेंट कर दो। सो गाइस अकेला बातों को बहुत बड़ा शॉर्ट आउट, जाके सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो गाइस आपको पिक्सेल लैब में जाना, आने के बाद गाइस यहाँ पर अपने सिंपली आपको अपना टेक्स्ट जो होता है, आप जो भी टेक्स्ट लगाना चाहते हो वो सिंपली यहाँ पर लगा देना। जैसे कि मैं यहाँ पर एस ले रहा हूँ, तो आप भी सिंपली आपके जो चैनल का फर्स्ट नेम है, फर्स्ट लेटर है, वो ले सकते हो। सो गाइस यहाँ पर लेने के बाद सिंपली मैं इसमें पैडिंग कर दूंगा, बिकॉज जो हम यहाँ पर फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटा फॉन्ट है, थोड़ा सा चौड़ा फॉन्ट है। ठीक है, तो ये वाला फॉन्ट का लिंक आपको मिलेगा पैक में, तो पैक जरूर से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ देख सकते हो फिर से मेरे को पैडिंग करने की जरूरत पड़ गई। एडिंग करने के बाद कि सिंपली अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कलर में जाना है, ग्रेडियंट में जाना है। जाने के बाद कि सिंपली आपको रेड वाला ग्रेडियंट देना है। आप जो भी कलर का अपना बैनर, आप जो भी कलर का आई मीन लोगो बनाना चाहते हो, वो कलर का आप यहाँ पर ग्रेडियंट दे देना। जैसे कि मैं रेड कलर का बना रहा हूँ, तो मैं डार्क रेड नीचे दूंगा एंड लाइट जो नॉर्मल रेड होता है वो हम ऊपर देंगे। ठीक है, तो आप सिंपली अगर ग्रीन कलर का बनाना है तो ग्रीन कलर नीचे देना, डार्क ग्रीन नीचे एंड जो लाइट ग्रीन होता है वो ऊपर। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने जिसको ऐसे आगे किया, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा शेड देना था नीचे, थोड़ा सा शेड चाहिए था, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है आपको। करने के बाद कि सिंपली आपको इनर शेडो में आ जाना है, आने के बाद सिंपली आपको लाइट रेड ले लेना है, लाइट रेड का इनर शेडो आपको यहाँ पर इसको दे देना है। तो सिंपली मैं लाइट रेड का इनर शेडो दे देता हूँ। देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा और लाइट कर देंगे हम इसको, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए हमको। एंड अगर आपको सेटिस्फैक्शन जैसे हो रही है वैसे कर सकते हो। अभी आपको अगर इस एम्बॉस में आना है, ये एम्बॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही देता है आपको 3D इफेक्ट। अगर आपके फ़ोन में 3D इफेक्ट नहीं हो रहा तो आई कांट डू एनीथिंग, मेरे को भी इसका सोल्यूशन नहीं पता। लेकिन आपका जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड 9 होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ये जो एम्बॉस होता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एंड्रॉयड 9 से ऊपर तो नहीं होगा। सिंपली गाइस इतना बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, करने के बाद बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इसको कर देंगे हम गैलरी में सेव। करने के बाद चलते हैं हमारे PS टच में। आपको PS टच का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सारे डाउनलोड कर सकते हो सारे एप्लीकेशन जो भी मैंने यूज़ किए हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पर आएंगे हम PS टच में, आने के बाद सिंपली आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। तो यहाँ पर सिंपली 1000 वाला रेशियो ले लेना, 1000x1000 जो कि हमारे लोगों का साइज होता है। तो यहाँ पर सिंपली ये लेने के बाद आपको आना है अपने फोटो लाइब्रेरी फोटो लेयर में, आपको ना मेरे पैक में आ जाना है। पैक में मैंने आपको दे कर रखा है बैकग्राउंड, जो कि आप बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो अपने लोगों के लिए। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड, देखो एकदम क्रस्टी बैकग्राउंड लग रहा है, जो कि मतलब रॉक जो होता है, हार्ड रॉक वाला बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही मतलब अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा दिखता है। अभी यहाँ पर जो एम्प्टी लेयर है इस पर हमने सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक में आएंगे, यहाँ पर लाइट एकदम डार्क रेड, आई मीन डार्क रेड वाला हम यहाँ पर इसको फिल कर देंगे डार्क रेड से। ठीक है, तो और डार्क कर देंगे 40 तक रख के इसको राइट कर देंगे, एंड यहाँ पर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो एकदम लाइट रेड हो जाएगा, देख सकते हो बहुत ही ओपी लग रहा है यहाँ पर देखने में। तो अभी आपको क्या करना है, वापस अपने फोटो लाइब्रेरी फोटो लेयर में जाना है। जाने के बाद जो आपने पिक्सेल लैब में टेक्स्ट एक्सपोर्ट किया था वो टेक्स्ट यहाँ पर आपको ले लेना। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर जाना है आपको पिक्सेल लैब में, एंड यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट। तो ये ऐसे देखो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इसको हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम इस पर भी करना है। तो अभी क्या करना है आपको गाइस, आपको अपने पैक में वापस आ जाना है। आने के बाद गाइस यहाँ पर पैक में मैंने दे रखा है ये वाला फोटो एक और, तो ये ले लेना आपको। ले लेने के बाद कि सिंपली इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे, एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बिकॉज हमारे जो एस है उसके एकदम बराबर इसको कर देंगे जितना हमारा एस है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा, दैट्स इट, एंड इसको हम राइट कर देंगे। अभी राइट करने के बाद कि सिम्पली यहाँ पर देख सकते हो, अभी आपको अगर इसका सेलेक्ट पिक्सल्स करना है, एंड इस पर आकर आपको कर देना है एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ओ भाई सब क्या लग रहा है। अभी आपको क्या करना है, इसको हम कर देंगे ब्लैक एंड वाइट। करने के बाद यहाँ पर हम इसको देंगे सब्ट्रैक्ट दे देंगे, डिफरेंस नहीं सब्ट्रैक्ट। तो ये देने के बाद कि देख सकते हो कितना मस्त शेड आ चुका है इसका, बहुत ही ओपी लग रहा है जो कि देखने में। हम दोनों को मर्ज कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर इसको हम दे देंगे ड्रॉप शेडो देने के बाद आप गाइस का आपका क्या करना है, आपको अपने पैक में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला ब्लर वाला फोटो मिल जाएगा पैक में, सो ये ब्लर वाला फोटो आपको ले लेना है। सो मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा, एंड आपके जो फॉन्ट है, जो आपका टेक्स्ट है, उसके बीचेस को आराम से लगा देना है।
सो यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया। यहाँ पर लगाने के बाद सिंपली आपको ब्लैक एंड व्हाइट इसको कर देना है। करने के बाद सैचुरेशन में आपको इसको रेड दे देना है पूरा। देने के बाद यहाँ पर इसको लीनर टॉच कर देना है। लीनर टॉच करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ी सी हम कम कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको और इंक्रीज कर देंगे। करने के बाद जो इसकी ओपेसिटी होती है वो थोड़ा सा कम कर देंगे, बिकॉज हमको जितना चाहिए उतना ही रखना है, ठीक है। तो आपको जैसे बेस्ट लग रहा है आप वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा। कम करने के बाद गाइस अब आपको आना है अपने फॉन्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर गॉशियन ब्लेंडर ड्रॉप शैडो में आपको जाना है। ड्रॉप शैडो देने आपको डिस्टेंस 4K रखना है, नीचे रखना, एंड थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर इंक्रीज कर देंगे। इतना इंक्रीज करना ताकि आपको जो लोगो है वो विजिबल दिखे आपको, ठीक है। विजिबल होना चाहिए, उतना आप रख सकते हो। तो सिंपली इतना करने के बाद गाइस थोड़ा सा हम ना डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे। करने के बाद इंटेंसिटी थोड़ी सी कम, एंड इसको यहाँ पर हम राइट कर देंगे ब्लर को थोड़ा सा एडजस्ट करके। ओके दैट्स इट। ये बहुत ही ओपी लग रहा है अभी देखने में, बहुत ही ज़्यादा मस्त दिख रहा है, देख सकते हो आप। अगर आपको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन नहीं मिले तो आप थोड़ा सा टिंगल भी कर सकते हो, उसको ऊपर नीचे करके देख सकते हो, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर मैं इसका बनाऊंगा, एंड इसको दे देंगे हम यहाँ पर ड्रॉप शैडो थोड़ा सा 65 तक का ड्रॉप शैडो। देने के बाद यहाँ पर इसको कर देंगे हम लीनियर डॉज, ताकि हमारा जो फोटो है उसमें थोड़ा सा शाइनिंग दिखने को मिले आपके फॉन्ट पे, जो आपके लोगो है उस पे। एंड इसका डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, एंड नीचे वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, एंड इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सबसे नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पर हमारे जो ब्लर है उसके नीचे लेके जाएंगे, एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे और एकदम बहुत बड़ा कर देंगे इसको, इंक्रीज कर देंगे पूरा साइज में। करने के बाद गए सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट करके यहाँ पर सिंपली इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपको जो फॉन्ट का जो थोड़ा सा शेड होता है वो नीचे पीछे देखने को आपको मिल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा ओपी जो कि दिखता है। अभी आपको क्या करने का, यहाँ पर आपको ये एम्प्टी लेयर जो हम डिलीट कर देते हैं, जो कि बेकार एम्प्टी लेयर था, उसका कोई ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पर सिंपली गाइस अभी आपको वापस अपने फोटो में जाना है, फोटो लाइब्रेरी फोटो लेयर में जाने के बाद, नहीं जाना सॉरी गाइस आपको क्या करना, सिंपली गाइस एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है। एम्प्टी लेयर क्रिएट करने के बाद डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ऊपर और नीचे इसका जो लोगो होता है, ये लोगो का हम यहाँ पर लगा देंगे ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो इसका डुप्लीकेट लेयर करेंगे, एंड इसको भी यहाँ पर नीचे साइड कॉर्नर में लगा देंगे, ताकि हमारा जो लोगो का जो थोड़ा सा शेड होता है वो देखने को मिलेगा, बहुत ही ओपी दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद हम इसको कर देंगे राइट, इतना लगाने के बाद राइट कर देंगे। राइट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है। इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लो, ठीक है। एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जाना है ग्रेडियंट में, एंड ये वाला ग्रेडियंट आपको पता ही होगा, आपको आता ही होगा। तो ये वाला ग्रेडियंट लेना है, एंड इसको सिंपली एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से, जो कि बहुत ही ओपी दिखता है। ओ भाई साहब क्या लग रहा है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल इसको कर लेना अपने गैलरी में सेव। सेव करने के बाद चलते हैं हमारे लाइट रूम की तरफ। लाइट रूम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। सो वह सिंपली लाइट रूम में आने के बाद आपको जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसे आपको कर देना है। अगर आपको नहीं आता है सब, अगर आपको प्रीसेट ऐड करना आता तो मैं प्रीसेट भी पैक में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप प्रीसेट ऐड कर सकते हो सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके। तो आई थिंक गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty.